देखिए क्या कह रहा है कि द नाइन टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द सिक्स टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म, इफ फिफ्थ टर्म इज 12 फाइंड द एपी। तो हम लोग सेम उसी तरह से लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है सिक्स टाइम है इसके सेकेंड टर्म के, और यहां कह रहा है कि फिफ्थ टर्म जो है वह 22 है। तो यहां पे देखो ए प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पर ए प्लस का 8d और इधर 6 इंटू में ए प्लस का 8d इक्वल टू में 6a प्लस का 6d। इसको इधर लेके आते हैं, ए प्लस का 8d माइनस का 6a माइनस का 6d इक्वल टू 0। तो माइनस का 5a और प्लस का 2d इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस का 4d इक्वल टू में 22, इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 10a प्लस का 4d इक्वल टू में 0 और ये हो जाएगा आपका a प्लस का 4d इक्वल टू में 22। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 11a इक्वल टू माइनस 22 ये जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, a प्लस का 4d इक्वल टू में 22। ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 प्लस का 4d इक्वल टू 22, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी d इक्वल टू में आ जाएगा 5। a और d का वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो हमें क्या करना है इसका, तो ap हमें फाइंड करना है, तो ap हम लोग निकाल देते हैं। तो देयरफॉर हम लोग ap का फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो यही हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस d यानी 2 प्लस का 5 7 हो जाएगा, थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस का 2d यानी कि 2 प्लस 2 इंटू में 5 यानी 2 प्लस का 10 यहाँ पे 12 हो जाएगा। फोर्थ टर्म की बात करें यहाँ पर तो a प्लस का 3d यानी कि 2 प्लस का 3 इंटू में 5 2 प्लस का 15 यानी 17 हो जाएगा। तो हमें जो ap निकालना था तो वह ap क्या हो जाएगा, यहाँ पर ap हो जाएगा 2 7 12 17, ये आपका ap हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर